बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। एआरओ भर्ती में धांधली के आरोपों के मामले से जुड़ी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इस मामले में जवाब मांगा है। विधानसभा सचिवालय में एआरओ भर्ती में धांधली का आरोप लग रहा है। दिसंबर 2020 में भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था और अब इस धांधली के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सरकार से जवाब तलब किया है। अनुभव शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुभव, पूरा मामला क्या है और किस बात पर जवाब मांगा है हाईकोर्ट ने? देखिए, दरअसल दिसंबर 2020 में विधानसभा में अलग अलग पद के कुल 87 जो है वो पद निकाले गए, उनके लिए विज्ञापन निकाला गया और इसमें सबसे ज्यादा सहायक समीक्षा अधिकारी के 53 पद थे और समीक्षा अधिकारी के 13 पद थे। इस पर एग्जाम होता है और पहले प्री होते हैं, फिर मेंस होते हैं, फिर टाइपिंग का टेस्ट होता है और उसमें तमाम जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। अब हाईकोर्ट में जिन लोगों ने पिटीशन डाली है उसमें उन्होंने जो हाईकोर्ट में दस्तावेज दिए हैं उसमें ये कहा गया है कि जिसको केवल जिसने 20 सवाल किए उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन जिसको कुल 190 अंक मिले उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। जबकि सहायक समीक्षा अधिकारी की कैटेगरी में जो कट ऑफ गया, जो परसेंटेज गया, वो 78% गया। तो इसी को लेकर आधार बनाकर उन्होंने कहा है कि आखिर कैसे 20 सवाल करने वाले को तो 20 ही नंबर मिले, तो उसने कैसे मेंस के लिए क्वालिफाई कर लिया, मेंस के लिए क्वालिफाई किया तो फिर क्या टाइपिंग में उसकी कितनी अच्छी स्पीड थी। इन सारी चीज़ों को लगातार लेकर जो अभ्यर्थी थे वो जानकारी मांग रहे, लेकिन विधानसभा में जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, जो परीक्षा नियंत्रक थे, वो कोई जानकारी दे नहीं रहे। इसीलिए पिटीशन दायर की है और हाईकोर्ट ने साफ तौर से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उससे लग रहा है कि गड़बड़ी हुई है और 10 दिन का समय मांगा है सरकार के वकील ने अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन हम अगर आपको दिखाएं तो जो हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट आए हैं जी जी, उसमें आप एक OMR शीट है और इसमें महज 18 से 19 सवाल ही जो है उनको किया गया है। और मान लीजिए हम कहते हैं कि अगर वो सवाल सही भी होते तो हर एक सवाल का एक नंबर था तो 19 नंबर मिलेंगे या 20 नंबर मिलेंगे, और अगर जिसको 190 अंक मिले उसको तो डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन जिसने 18-19 सवाल किए उसको जो है पास करके मेंस कैटेगरी में यानी दूसरे राउंड में उसने पार्टिसिपेट किया उसको भी क्वालिफाई कर लिया, तो टाइपिंग में भी पास हो गए। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी तो ज़रूर है, और केवल विधानसभा में नहीं। देखिए, इससे पहले एक महीना पहले विधान परिषद में भी तकरीबन 97 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी और उसमें भी तमाम सारे ऐसे लोगों को नियुक्ति दी गई जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, ऐसे लोगों को नियुक्ति दी गई है और वो भी कोर्ट में लोग मामला लेकर गए हैं। लेकिन इस मामले में अब राज्य सरकार से सीधा जवाब तलब हुआ है, 10 दिन का वक्त मांगा है, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से ये खेल हो रहा है भर्तियों में। पारदर्शिता की बात होती है लेकिन कहाँ पारदर्शिता, किस तरीके से भर्तियों में खेल किया गया है। और अभी अगर और परतें खुलेंगी तो बड़े नाम भी सामने आएंगे, कौन लोग थे जिन्होंने अपने चहेतों को रेवड़ियां बटवाई, नौकरी दिलाई और जो क्वालिफाई करने वाले यूथ थे उनको नौकरी नहीं मिली। बिल्कुल अनुभव, और ये परतें खुलनी भी चाहिए, चीज़ें सामने आनी चाहिए, कौन लोग हैं जिस तरह से उन्होंने ये काम किया, ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है इस लेवल पर आकर। अनुभव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन जानकारी। बड़ी खबर है, लखनऊ में 4 DCP के तबादले हो गए हैं। DCP सेंट्रल सोमेन वर्मा को DCP वेस्ट बनाया गया है, ऐसे ही DCP वेस्ट देवेश कुमार पांडे को DCP नॉर्थ बनाया गया है। DCP नॉर्थ रईस अख्तर को DCP ट्रैफिक की जिम्मेदारी दी गई। DCP ट्रैफिक ख्याति गर्ग DCP सेंट्रल बनाई गई है, उनके पास UP 112 का 112 का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। तो 4 DCPs के तबादले लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में ये तबादले किए गए हैं। ख्याति गर्ग DCP ट्रैफिक DCP सेंट्रल बनाई गई हैं और 112 की इंचार्ज भी रहेंगी। 4 DCPs के तबादले, डिप्टी कमिश्नर पुलिस के तबादले। तो DCP सेंट्रल सोमेन वर्मा थे उन्हें DCP वेस्ट बना दिया गया है, DCP वेस्ट देवेश कुमार पांडे को DCP नॉर्थ बना दिया गया है और DCP नॉर्थ रईस अख्तर को DCP ट्रैफिक की जिम्मेदारी दी गई। आइए अब कोरोना की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग रहा है, 24 घंटे में 310 नए कोरोना के पेशेंट सामने आए और यूपी में एक्टिव केसेस घटकर 6500 से भी कम हो गए। अब तक उत्तर प्रदेश में
2,28,00,000 लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है। देश में भी कोरोना के जो मामले हैं उसमें लगातार कमी आ रही है। 62,000 नए मामले रिपोर्ट हुए, 62,224 ठीक, और एक दिन में 2,542 मरीजों की मौत की खबर है। अब तक कुल पॉजिटिव केसेस हैं 2,96,33,105 और कुल मौतें हैं देश में रिकॉर्ड पर 3,79,573। एक दिन में 1,07,628 मरीज डिस्चार्ज भी हुए, तो देश में भी कोरोना का आंकड़ा घटता हुआ। 62,224 नए मामले देश में।